वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, बीपीएससी 68th के लिए जो कि 12 फरवरी को होने वाला है, हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू का सीरीज देख रहे थे और ये हमारा पार्ट फोर्थ होगा, ठीक है। चौथा पार्ट ये हम लोग देख रहे हैं, जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का सारा करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। 50 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं आज के 50 क्वेश्चंस क्या है। 150 तक हम लोगों ने कर लिया था, आज 151 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारे लिंक्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इन सारे एग्जाम्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इन नंबरों पर कॉल करके भी हमारे पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्विट्जरलैंड में संचालित दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन की लंबाई क्या है। दुनिया का सबसे लंबा पैसेंजर ट्रेन जो है वो स्विट्जरलैंड में संचालित किया गया है और इसका लंबाई टोटल क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 1.5 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर। तो ये जो है लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। 1.9 किलोमीटर लगभग ये लंबा है। चलिए यहां पर दिया हुआ है यही चीज, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है ये स्विट्जरलैंड ने। 100 डिब्बे थे जो कि आल्प्स की पहाड़ियों में ये ट्रेन चली है, ठीक है। उसके बाद देखे यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में दिया हुआ है, 1910 मीटर, टू बी प्रिसाइज 1910 मीटर इसका लंबाई है, ठीक है। और 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों को जोड़ करके यह बनाया गया है। 100 कोच इसमें शामिल है, ठीक है, और लगभग 4,000-5,000 यात्री इसमें बैठ सकते हैं, ऐसी इसकी सुविधा है। चलिए देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बना गया है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ना हर साल एक शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुनती है और साथ में कॉलिंस डिक्शनरी भी चुनती है। तो ऑक्सफोर्ड ने किसको चुना है, मेटावर्स, आई स्टैंड विद ग्लोबल मोड और पार्मा क्राइसिस, ठीक है, पार्मा क्राइसिस। तो यहां पर जो है आपका ग्लोबल मोड को ऑक्सफोर्ड ने चुना है अपना वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, ग्लोबल मोड क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। तो 2022 के ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, ग्लोबल मोड को चुना गया है। इसका अर्थ क्या होता है, आमतौर पर वैसे इंसान जो कि सामाजिक मापदंडों को अस्वीकार करते हैं उनके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इतिहास में पहली बार वर्ड ऑफ द ईयर को पब्लिक वोट के माध्यम से इस बार चुना गया है, ठीक है। और कॉलिंस डिक्शनरी की बात करें तो पर्मा क्राइसिस जो है वो उसको चुना है किसने, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है। इसका अर्थ होता है अस्थिरता और सुरक्षा की एक विस्तारित अवधि, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, टर्म दैट डिस्क्राइब An extended period of instability and insecurity. ये है परमा क्राइसिस। चलिए आगे देख लेते हैं, कॉलेज डिक्शनरी के बारे में भी हम लोगों ने देखा और ऑक्सफोर्ड के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। 1 नवंबर को जो 7 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं उनमें कौन शामिल नहीं है। 1 नवंबर में टोटल 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब टोटल 9 क्षेत्रों का मनाया जाता है स्थापना दिवस, उनमें कौन शामिल नहीं है वो पूछा जा रहा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसमें जो है कौन अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को नहीं मनाते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुदुचेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर राजस्थान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान जो है इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत का विकास दर घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया है, ठीक है। तो यह जो है 6.6%, 6.8%, 7.2% या फिर 7.8%।
यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा यहां पर 6.8%, घटा करके कितना कर दिया है 6.8% कर दिया है। जुलाई में यह जो अनुमान था वो 7.4% था, जिसको कि घटा करके 6.8% कर दिया है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का यह अनुमान है। ठीक है, और फिस्कल ईयर 2024 के बारे में बात करें तो उसमें भारत का विकास दर 6.1% ही रहने दिया गया है। जुलाई में भी यही था और अभी भी यही रखा गया है। ठीक है, 2022-23 की बात करें तो भारत में महंगाई दर जो है वो 6.9% रहने की उम्मीद है। ठीक है, और विश्व बैंक के द्वारा भारत के लिए वित्त वर्ष 2023 का विकास अनुमान को 7.5% से घटाकर 6.5% किया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने भी विकास दर का अनुमान घटाया है और आपका IMF ने भी विकास दर का अनुमान घटाया है, दोनों आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IMT त्रिलाट नामक नौसैनिक अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं है। त्रिलाट कहने का मतलब तीन देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारा, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया और सूडान। तो भारत तो होगा ही, ठीक है, भारत होगा ही, मोजाम्बिक भी है और तंजानिया भी है, सूडान इसमें शामिल नहीं है, तो आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया जाता है, क्या नाम है इसका, त्रिलाट नाम है। ठीक है, त्रिलाट नाम है और ये जो है तंजानिया के डार एस सलाम में आयोजित किया गया 27 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, जो जरूरी होगा वो मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, और बाकी जो जरूरी नहीं होगा, जो परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है, वो आप देख लीजिएगा खुद से। ठीक है, विश्व पहली चैंपियनशिप में प्रसन्ना से साद्री ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। देखिए 11 साल के बाद भारत को पदक मिला है विश्व पहली चैंपियनशिप में, और किसने जीता है, प्रसन्ना से साद्री ने जीता है, तो नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है या किसी विशेष पदक जीता है, आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है, रजत पदक उन्होंने जीता है। चलिए देख लेते हैं, 11 वर्षों के बाद भारत के लिए रजत पदक किसी ने जीता है, जापान के केन एंडो ने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड पजल फेडरेशन के द्वारा संचालित किया जाता है और वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पहेली है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। भारत का 22वां विधि आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी 2020 में। ठीक है, लेकिन अब इसका अध्यक्ष चुना गया, किसको चुना गया है, दीपक ठाकुर, ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस चंद्रचूर या फिर नवीन शुक्ला। देखिए यहां पर ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जस्टिस चंद्रचूर जो है DY चंद्रचूर ये हमारे मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में, तो 2020 में गठित किया गया था ये 22वां विधि आयोग। ठीक है, और इसका अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग यदि बात करें तो ये 1955 में गठित किया गया था 3 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, MC शीतलवार थे। ठीक है, और यदि भारत, ये स्वतंत्र भारत की बात की, अगर पूरे भारत की बात करें, स्वतंत्रता से पहले की भी बात करें, तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अधिनियम के द्वारा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित किया गया था। ठीक है, विधि आयोग में एक सदस्य सचिव होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत शुरू किए गए दूसरे अटल न्यू इंडिया चैलेंज के केंद्र में क्या है। मतलब दूसरा जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है वो किस पर फोकस्ड है ये पूछा जा रहा है, पिछड़ा वर्ग, महिला सशक्तिकरण, छात्रों पर या फिर MSMEs पर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट पर केंद्रित है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पर ये केंद्रित है, याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, 9 नवंबर 2022 को दूसरे अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों की शुरुआत की गई है। मतलब जो इसमें चैलेंजेस दिए जाएंगे वो महिलाओं से रिलेटेड होंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड चैलेंजेस दिए जाएंगे और जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे सब उन पर नवाचार या फिर शोध करेंगे और अपना अपना प्रोजेक्ट पेश करेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप,
1 करोड़ रुपए तक का अनुदान उनको दिया जाएगा नवाचारों के लिए, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे उनको, ठीक है, जिनका भी जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट पेश करेंगे उन और चयनित किया जाएगा उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। चलिए, नाग प्रभु कैंपे गौरा को किस शहर का संस्थापक माना जाता है जिनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी मोदी जी ने किया है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है, तो नाग प्रभु कैंपे गौरा की प्रतिमा है, ठीक है, और इनको किस शहर का संस्थापक माना जाता है, ये क्वेश्चन है, चेन्नई, कोची, बेंगलुरु या फिर मंगलुरु, आंसर क्या हो जाएगा, इनको बेंगलोर का माना जाता है संस्थापक, ठीक है, और यहाँ पर नया टर्मिनल एयरपोर्ट का वो भी स्थापित किया गया है और उसका उद्घाटन किया और साथ में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, ठीक है, और ये ब्रोंज मेडल है, कांस्य प्रतिमा है, ठीक है, और किसी भी शहर के संस्थापक की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया है, ठीक है, नाग प्रभु कैंपे गौरा इनका नाम है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी याद रखिएगा। बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और इनको बेंगलुरु शहर की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। पद्म भूषण से सम्मानित राम वनजी सुतार ने इस प्रतिमा को डिजाइन किया है और यही जो सुतार है इन्होंने ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी वो किया है, निर्माण किया है, और बंगलुरु के विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी निर्माण इन्होंने ही किया है, ठीक है, तो ये सुतार जो है ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, मूर्ति निर्माता है, मूर्तिकार इनको कहा जाता है, ठीक है, धातु का मूर्ति जनरली निर्मित करते हैं ये। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया था जिसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, भारत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसका आयोजन कहां किया गया था, जॉर्डन, जापान, सिंगापुर या फिर भारत, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आयोजन कहां किया गया, इसका आयोजन किया गया जॉर्डन में, ठीक है, जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, ठीक, भारत ने इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण के साथ टोटल 12 पदक हासिल किए हैं, ठीक है, और ये कुछ नाम है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 नाम है, परवीन, लवलीना बोरगोहाई, स्वीटी बोरा और अल्फिया पठान, ठीक है, इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। पहला टूर्नामेंट जो है ये 1963 में बैंकॉक थाईलैंड के द्वारा आयोजित किया गया था, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 41वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का साझेदार राज्य कौन है, पार्टनर स्टेट कौन है, तो बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बिहार भी है, झारखंड भी है और महाराष्ट्र भी है, तीनों है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों है, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जो है वो इसके पार्टनर स्टेट्स हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, दिल्ली के प्रगति मैदान में यह आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में, साझेदार राज्य कौन है, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, विशेष आकर्षण वाले राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश और केरल है, थीम इसका क्या है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पाद को समर्थन और वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा या फिर विस्तार। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल अचंता किस खेल से संबंधित है जिन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस या फिर शतरंज, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, टेबल टेनिस याद रखिएगा, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे पदक जीते थे, ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक इन्होंने जीता था, अर्जुन अवार्ड के लिए जो है 25 खिलाड़ियों को चुना गया है, इस बार 7 कोचों को चुना गया है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, ठीक है, और 4 खिलाड़ी ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है शरत कमल, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरू किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साइबर पीस फाउंडेशन, गूगल या फिर मेटा, ठीक है, तो यह जो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग ने मेटा के सहयोग से यह किया है, ठीक है, मेटा के सहयोग से इन्होंने और साइबर पीस फाउंडेशन, ये दोनों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने
डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेटा और साइबर पीस फाउंडेशन, ठीक है, देख लेते हैं। साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरू किया है, ठीक है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस सुरक्षित सुनिश्चित करना, मतलब महिलाओं को जो साइबर सुरक्षा का खतरा होता है, जो डिजिटल मतलब सोशल मीडिया पर या फिर डिजिटल मीडिया पर या फिर ऑनलाइन जो खतरा उत्पन्न होता है उससे सुरक्षित करना। और मेटा जो है आपका फेसबुक का पेरेंट कंपनी है, ठीक है, आप देखते होंगे फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा कर दिया गया है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, सबका पेरेंट कंपनी क्या हो गया है, मेटा हो गया, ठीक है। डिजिटल शक्ति की शुरुआत जून 2018 में की गई थी, ठीक है, और तीसरा चरण इसका जो है मतलब शक्ति अभियान 3.0 जो है वो मार्च 2021 में लेह में शुरू किया गया था और अब 4.0 शुरू किया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। महिला आयोग जो है उसकी स्थापना 1990 के अधिनियम द्वारा 1992 में की गई थी एक वैधानिक निकाय के रूप में, याद रखिएगा, स्टेच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, बाय होम इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश्ड, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट या फिर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जर्मन वॉच भी है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी है और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहां पर जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा 2005 से मतलब 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2005 से लगातार वार्षिक आधार पर यह प्रकाशित किया जाता रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, आठवां है, ठीक है, याद रखिएगा भारत का आठवां स्थान है। और 2022 में भारत का कौन सा स्थान था, दसवां स्थान था। चार श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर आधारित है, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन कौन से संकेतक है वो आप देख लीजिएगा। चलिए, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में भारत से कितने विजेता परियोजनाएं हैं, हाउ मेनी विनिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंडिया आर देयर इन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2022 फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ठीक है, तो दो है, तीन है, चार है या पांच है, भारत से कितने है, भारत से चार प्रोजेक्ट है, ठीक है, कौन कौन है आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, बहुत जरूरी है। भारत से चार विजेता हैं, कौन कौन है, उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को, विशिष्टता का पुरस्कार दिया गया है गोलकुंडा की बावड़ी हैदराबाद को, मेरिट का पुरस्कार दिया गया है डोमकोंडा किला तेलंगाना और भैयाखाला स्टेशन मुंबई को, ठीक है, तो ये चार प्रोजेक्ट भारत से शामिल है। छह देशों की 13 परियोजनाओं को इसके तहत स्वीकार किया गया है और ये छह देश कौन कौन है, अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सिंगापुर एवं भारतीय सेना के आर्टिलरी शाखा द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि योद्धा के 12वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया, अग्नि योद्धा किसके किसके बीच, भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के आर्टिलरी विंग के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम, कहां पर आयोजित किया गया आइए देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए, बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं होता कब क्या पूछते, ठीक है, तो यह जो है आपका सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच आयोजित किया गया 12वां संस्करण था अग्नि योद्धा का, ठीक है, और यह देवलाली महाराष्ट्र में शुरू हुआ, ठीक है, देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, ठीक है, दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा के द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग इसमें किया गया है। और भारत और सिंगापुर के बीच अन्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो की सेना के द्वारा किया जाता है, संयुक्त सैन्य परीक्षण आपका वायुसेना के द्वारा किया जाता है और त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में किया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवाई यात्रा को और सुलभ बनाने के लिए चुनिंदा हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री के लिए डीजी यात्रा के प्रथम चरण में
कौन कौन से हवाई अड्डे शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ चुनिंदा हवाई अड्डे हैं जिन पर डिजी यात्रा को लागू किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको बार बार जाकर के चेक इन करने की जरूरत नहीं। अगर आप लगातार यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, तो उस एयरपोर्ट पर आपका सारा डाटा पहले से मौजूद होगा, जाकर के स्कैनिंग कराइए और पेपरलेस एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे जो चुनिंदा एयरपोर्ट है उनमें कौन शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है, दिल्ली, पटना, बंगलुरु या फिर वाराणसी। क्वेश्चन ऑप्शन अब बहुत आसान है, पटना को इसमें नहीं रखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पटना। बाकी तीनों इसमें शामिल है। और कौन कौन से एयरपोर्ट है यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। बेंगलुरु है, वाराणसी है, दिल्ली है, ठीक है, ये सबसे पहले चालू किया जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। स्वचालित रूप से चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों का प्रवेश किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत डिजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइम मैगजीन के द्वारा किसे वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, घोषित किया गया है, पुतिन, नरेंद्र मोदी, जेलेंस्की या फिर एंजेला मर्केल, ठीक है। अभी रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है ना, तो इसमें पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो जेलेंस्की को चुना गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जेलेंस्की जो कि पहले कॉमेडियन हुआ करते थे, ठीक है, याद रखिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को चुना गया है, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन उनको कहा जाता है, ठीक है, और इन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। ये जो परंपरा है पर्सन ऑफ द ईयर चुनने की, ये 1927 में शुरुआत हुई थी इसकी, 1930 में महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, और जो पिछला मतलब जेलेंस्की से पहले जिनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था वो कौन थे, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क को इससे पहले पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हिटलर वगैरह को भी चुना जा चुका है, तो बहुत ही फेमस है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, मोदी जी को भी चुना गया है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां एम्स का उद्घाटन किया गया, ठीक है, पुणे, हजारीबाग, नागपुर या फिर दरभंगा। आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, ठीक है, ये लेटेस्ट है, 11 दिसंबर 2022 का है ये, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में, तो एम्स नागपुर का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। शिलान्यास इसका जुलाई 2017 में मोदी जी ने ही किया था, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है, 1575 करोड़ रुपए से अधिक इसमें लागत आया है, ठीक है। और नागपुर से बिलासपुर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, ठीक है। तो ये भी एक ही दिन हुआ था सब, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर से बिलासपुर तक। बिलासपुर कहां है, छत्तीसगढ़ में, नागपुर कहां है, महाराष्ट्र में। सूर्य किरण किस देश के साथ भारतीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसके 16वें संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया। सूर्य किरण किसके द्वारा, किसके साथ किया जाता है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर मलेशिया। सूर्य किरण का आयोजन जो है वो आपका नेपाल के साथ किया जाता है, भारत का सैन्य अभ्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा इसके बारे में। नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया, जो कि 16वां संस्करण था, यह आपको याद रखना चाहिए। 15वां संस्करण का आयोजन भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है वो जरा सा यहाँ पर आप देख लीजिए, उग्रवाद से निपटना उद्देश्य है इसका, फिर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करना यह भी उद्देश्य है, और एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना यह भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की क्षमता क्या है, जिसका हाल ही में रात्रि परीक्षण किया गया, सफलतापूर्वक किया गया, ठीक है, नाइट ट्रायल इसका संपन्न किया गया। 4000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर से अधिक और 3000 किलोमीटर। तो यहां पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोर देन 5000 किलोमीटर। इसका रेंज क्या है, 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं विभिन्न जो आपके अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक जितने भी हैं सबका रेंज हम लोग देख लेते हैं। तो अग्नि 1 है 700 से 800 किलोमीटर, अग्नि 2 है 2000 किलोमीटर से अधिक, अग्नि 3 जो है वो 2500 किलोमीटर से अधिक की सीमा है, और अग्नि 4 की कार्य जो है वो 3500 किलोमीटर से अधिक है, और अग्नि 5 का क्या हो गया, 5000 किलोमीटर से भी अधिक हो गया, ठीक है। एकीकृत निर्देशित
मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत इसको विकसित किया गया है, ठीक है, डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, और ये सबका निर्माण कौन करती है, डीआरडीओ करती है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण कहां आयोजित किया गया, मेघालय, मणिपुर, असम या फिर मिजोरम, कहां किया गया, चारों जो है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, देख लेते हैं। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया काजिंद 22 नाम है, छठा संस्करण है इसका, और भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है ये, ठीक है। शुरुआत कब की गई थी, 2016 में किया गया था, और तब इसको क्या कहा जाता था, प्रबल दोस्ती कहा जाता था, ठीक है, बाद में इसको 2018 में इसका नाम परिवर्तित करके काजिंद कर दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेघालय में आयोजित किया गया, याद रखिएगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच छठा संस्करण। निम्नलिखित राज्यों और उनके जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के जोड़ों में से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो महाराष्ट्र अलीबाग सफेद प्याज, तेलंगाना तंदूर रेड ग्राम, असम गमोसा और केरल अट्टा पड़ी थुवारा, ठीक है, तो इसमें जो है आपका चारों का चारों सही है, और चारों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मतलब मोर देन अबव, ठीक है, ठीक है, चारों का चारों सही था उसमें। अब यहाँ पर सभी का सभी सही है, यहाँ पर केरल का 5 उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है, और उससे पहले असम के गमोशा जो कि पारंपरिक कपड़ा है, महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज, लद्दाख के रक्त से कार्पो खुबानी, और तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो किस किस को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है वो सब देख लिए हैं हम लोग, और मिथिला मखाना को बिहार से जीआई टैग दिया गया था इससे पहले, ठीक है, तो बिहार से यदि पूछे तो मिथिला मखाना को दिया गया है जीआई टैग, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाव D-67 को 18 दिसंबर 2022 को कहां कमीशन किया गया, मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, मोरमुगाव, याद रखिएगा, मोरमुगाव को कहाँ कमीशन किया गया, तो याद देखिएगा, मुंबई में नौसेना के डॉक यार्ड में कमीशन किया गया, ठीक है, 18 दिसंबर 2022 को, ठीक है। मुंबई में कमीशन किया गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कभी कभार कुछ आंसर में कंफ्यूजन हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं है, यहां पर मुंबई में कमीशन किया गया, याद रखिएगा, मोरमुगाव D-16 को, और बाकी इसके बारे में बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 7400 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ है ये, ठीक है, 17 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, और 163 मीटर इसकी लंबाई है, और बाकी बहुत सारा चीज इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा मतलब यही था कि इसको कमीशन कहां किया गया है ये बताना। चलिए, किसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, अस्थायी सूची में, ये टेम्पोररी लिस्ट है, कोई भी जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनता है ना उसको एक साल के लिए पहले अस्थायी सूची में रखा जाता है, उसके बाद उस पर विचार किया जाता है, और फिर साल भर के बाद निर्णय लिया जाता है कि उसको लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो भारत से जो है बहुत सारे ऐसे स्थल है जिनको अस्थायी सूची में रखा गया है, उसमें ये सब लेटेस्ट है, ठीक है। तो गुजरात का वडनगर शहर, मोढ़ेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर मोढ़ेरा, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री जी का ये जो है पैतृक गांव है। त्रिपुरा में ऊना कोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां, और पटना का गोलघर। तो कौन सा सूची में, अस्थायी सूची में कौन कौन शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी शामिल किया गया है, पटना का गोलघर इसमें नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन, ये हो जाएगा मोर देन वन, ठीक है। कौन सा शामिल है ये पूछा जा रहा है, कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा जाता, तो पटना का गोलघर हो जाता। अस्थायी सूची में शामिल किया गया है किसको, तो ये हो जाएगा मोर देन वन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से, तो यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस को यहाँ पर शामिल किया गया है, और अस्थायी सूची में भारत से 52 स्थल है, ठीक है, और टोटल 40
विरासत धरोहर स्थल है भारत से, ठीक है। टोटल मिला के 40 है जो कि अस्थाई सूची में है, परमानेंट लिस्ट में है, और अस्थाई में कितने हैं, टेम्पोररी में कितने हैं, 52 है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। और लेटेस्ट जो जोड़ा गया है अस्थाई सूची में वो है धौलावीरा का हड़प्पा शहर और काकातीय रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर, ठीक है। इनको सबसे नया है जो कि शामिल किया गया है अस्थाई सूची में, यूनेस्को के अस्थाई सूची में। इससे पहले अहमदाबाद को विरासत शहर घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। समुद्रयान मिशन के बारे में गलत कथन चुनना है। समुद्रयान मिशन क्या है, 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा 6000 मीटर समुद्र के नीचे, 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा ताकि वहां से जो भी आपके खनिज संसाधन है और बाकी जो जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी खोज की जा सके, रिसर्च किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए ये समुद्रयान मिशन है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको गलत कथन चुनना है, तो वर्ष 2026 तक पूरा किए जाने की इसको उम्मीद है। गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज इसके माध्यम से की जाएगी, डीप ओशन मिशन का ये हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक वाहन में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें टोटल सही है, ठीक है, ये इसमें जो है टोटल सही है, चारों का चारों सही है। इसका मतलब नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, सभी कथन इसमें सही। चल आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसमें बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इसे विकसित किया गया है और डिजाइन किया गया है, 6000 करोड़ रुपया इसका लागत है। इसके बारे में जो भी आ रहा है सब 6000 6000 6000, मत्स्य 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा, 6000 करोड़ लागत है, सब कुछ 6000 है, ठीक है। डीप ओशन मिशन जो है जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। और 5 वर्ष की अवधि वाले इस मिशन की अनुमानित लागत कितनी है, 4477 करोड़ रुपए है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग अंतरिक्ष में तो अन्वेषण कर ही रहे हैं, शोध कर ही रहे हैं, चंद्रमा पर हम लोग भेज चुके हैं, मंगल पर भेज चुके हैं, आदित्य L1 हमारा जा रहा है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए, और समंदर की गहराई में भी हम लोग भेज रहे हैं, मतलब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में न्यूनतम स्कोर किसे दिया गया है, हु हैज बीन गिवन द लोएस्ट स्कोर इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इश्यूड बाय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, पुदुचेरी, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें बिहार और झारखंड जो है वो सबसे पीछे है, न्यूनतम स्कोर किसको दिया गया है, बिहार और झारखंड को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम स्कोर पूछा जा रहा है तो ई ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, न्यूनतम स्कोर जो दिया गया है वो झारखंड और बिहार को दिया गया है, और उच्चतम स्कोर जो है वो पुदुचेरी को दिया गया है, ठीक है। और राज्य स्तर पर देखें तो 89 और जिला स्तर पर 49 इसके इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। सामाजिक प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों में 12 घटकों के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन इसमें किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो है इसमें दिया हुआ है सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। भारत ये जो है आपका वैश्विक, ये मैंने अभी जो बताया वो प्रधानमंत्री के आर्थिक प्रधानमंत्री के सलाहकार एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा सलाहकारी परिषद के द्वारा जारी किया गया था। और अब जो है हम वैश्विक सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की बात करें तो यह जो है सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव के द्वारा जारी किया जाता है, और उसमें 169 देशों में भारत जो है वो 110वें स्थान पर रखा गया था, ठीक है। तो नेशनल जान लिए तो इंटरनेशनल में भी भारत का स्थान जानना जरूरी है, आपको मैंने बता दिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिब जादे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो किसकी शहादत के अवसर पर मनाया जाता है वो आपको मैंने बताया। अब तारीख देख लेते हैं, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 24 दिसंबर, आई थिंक 24 दिसंबर होना, 24 दिसंबर नहीं 26 दिसंबर, सॉरी यहां पर 26 दिसंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो याद रखिएगा 26 दिसंबर को ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है। वीर बाल दिवस
के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन 9 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की थी कि भैया 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा, क्या वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये पहला वीर बाल दिवस था, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। और ये बीपीएससी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे, अंतिम सिख गुरु, उनका जन्म कहां हुआ था? पटना में ही हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के पुत्र थे ये दोनों, तो जिनकी शहादत में वीर बाल दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कोविड-19 के लिए इनकोवैक नामक इंट्रानोजल वैक्सीन किस कंपनी ने तैयार किया है, जिसे कोविन ऐप पर डाउनलोड किया गया, मतलब कोविन ऐप पर स्वीकृत किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इंकोवैक, वो नाक से सूंघने वाला आपका वैक्सीन है, ठीक है, इसीलिए इसको इंट्रानोसल वैक्सीन कहा जाता है, इंट्रानेसल वैक्सीन, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, भारत बायोटेक या फिर स्पुतनिक वी, तो इसको किसने तैयार किया है? भारत बायोटेक ने तैयार किया है, ठीक है, याद रखिएगा। और कोविन ऐप पर अब ये भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कोविन ऐप पर इसको जोड़ दिया गया है। कोविन ऐप पर और कौन कौन से जो आपके वैक्सीन अवेलेबल है वो सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड है और कोवोवैक्स है, रूस का स्पुतनिक वी है और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का कार्बोवैक्स है। ये सब जो है आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? कोविन पोर्टल पर मिल जाएंगे। और पहला इंट्रानोजल कोविड वैक्सीन कौन है? इंकोवैक है, भारत बायोटेक ने इसको बनाया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के साथ भारत के द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ, ठीक है। तो ये जापान में संपन्न हुआ, जापान, अमेरिका, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो किस देश के? जापान में संपन्न हुआ है तो जापान के साथ ही हुआ होगा ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जापान ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय रक्षाभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया। ये पहला संस्करण है, इसलिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ ये, ठीक है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने Sukhoi-30 MKI विमानों के साथ हिस्सा लिया और ये जो था 16 दिनों तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है, 16 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा, 26 दिसंबर से 16 दिन जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, किस कंपनी ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता किया है, ठीक है। व्हिच कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हॉकी इंडिया टू बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? अडानी पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील या फिर बजाज मोटर्स? तो खेलों में जो है ना आपके टाटा जो है वही सक्रिय होते हैं, टाटा स्टील जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड जो है वो उन्होंने ये साइन किया है, ठीक है। राउरकेला में आयोजित होगा, भुवनेश्वर राउरकेला यानी कि ओडिशा में आयोजित होगा ये पुरुष विश्व कप 2023, ठीक है, याद रखिएगा। और 15वां सत्र जो है वो 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा, आयोजित हो भी चुका होगा, 29 जनवरी तो खत्म हो गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टिर्की है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरब जगत के पहले चंद्र रोवर का नाम क्या है, मून रोवर का नाम क्या है, जिसे 11 दिसंबर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये अरब जगत का पहला है, ठीक है, मून रोवर। यूसुफ नाम है या अब्दुल नाम है या याकूब नाम है या फिर राशिद नाम है? आंसर क्या हो जाएगा? राशिद। आंसर क्या हो जाएगा? राशिद। अरब जगत का पहला मून रोवर नाम क्या है? राशिद है, ठीक है। और यह जो है आपका कौन लॉन्च कर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात जो है वो लॉन्च कर रहा है और ये चौथा देश बन जाएगा अगर ये सफल रहता है तो, ठीक है। वजन कितना है इसका? मात्र 10 किलो है और नाम क्या है? राशिद है, ठीक है। फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। दुबई के शासक दिवंगत शेख राशिद बिन सईद अल मख्तूम के नाम पर इसका नाम रखा गया है और बाकी यहाँ पर दिया हुआ है और भी बहुत कुछ, तो देख लीजिएगा। लैंडर का क्या नाम है? हकुतो आर नाम है, जो कि जापान का है लैंडर, ठीक है। लैंडर और रोवर आपको याद होगा, जब भारत ने अपना चंद्रयान भेजा था तो उस समय हम लोगों ने देखा था, ठीक है। चलिए
एक वनडे पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? शुभमन गिल, ईशान किशन, लोकेश राहुल या फिर हार्दिक पांड्या? देखिए, शुभमन गिल ने भी दोहरा शतक बनाया, लेकिन उससे पहले ईशान किशन ने बनाया था और सबसे तेज बनाया था, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ईशान किशन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके बाद शुभमन गिल ने भी 208 रन की शानदार पारी खेली थी, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज दिया हुआ है, 126 गेंदों पर दोहरा शतक जीता जरा था बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने, ठीक है। और उसके बाद ये जो है दुनिया के सातवें खिलाड़ी बन गए थे ईशान किशन, जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। और उससे पहले सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग जो थे वो उन्होंने शतक जड़ा था, ठीक है। भारत की तरफ से चौथे खिलाड़ी ईशान किशन थे और पांचवें खिलाड़ी कौन बन गए हैं, शुभमन गिल बन गए हैं, ठीक है। और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा था 208 रन का पारी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राज्य अपना राज्य स्तरीय क्लाइमेट चेंज मिशन प्रारंभ करने वाला पहला क्लाइमेट स्मार्ट राज्य बन गया है? व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च इट्स स्टेट लेवल क्लाइमेट चेंज मिशन? कर्नाटक, केरला, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, सारे जो है वो साउथ के ही स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो अपना क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है और देश का पहला ऐसा राज्य है, ठीक है। सितंबर 2022 माह में हरित तमिलनाडु और अगस्त माह में तमिलनाडु वेटलैंड मिशन की भी शुरुआत तमिलनाडु में की गई है। और COP26 में भारत सरकार ने देश को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। COP27 का आयोजन कहां किया गया, COP26 का आयोजन कहां किया गया कमेंट में लिखिएगा, और 27 का आयोजन कहां किया जाएगा, दोनों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कमेंट में जरूर लिखिएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत से कौन शामिल है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, बायोकॉन की सीईओ किरण मजूमदार, नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर या फिर भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष सोमा मंडल? तो भारत से जो है ये चारों की चारों शामिल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ई, भारत से कौन शामिल है, चारों शामिल है। चलिए देख लेते हैं, 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, फिर किरण मजूमदार सौ है, फाल्गुनी नायर है, HCLTech की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा है, भारतीय जो आपका प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, उसकी अध्यक्ष माधवी पुरी है, ठीक है। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष सोमा मंडल है, ठीक है। शीर्ष स्थान किसको दिया गया, मतलब टॉप पोजीशन पर कौन है, जो 100 महिलाएं हैं उनमें टॉप पोजीशन पर नंबर वन पर कौन है, तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी 4 से 7 दिसंबर 2022 तक निर्धारित पहली शेरपा बैठक कहां आयोजित की गई? मतलब G20 के लिए जो है ना, हर एक देश अपना अपना शेरपा नियुक्त करते हैं, जैसे भारत के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत है, ठीक है। तो उन शेरपाओं की बैठक कहां आयोजित की गई, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, उदयपुर, श्रीनगर, गांधीनगर या दिल्ली? तो ये जो है आपका उदयपुर में किया गया था शेरपाओं का बैठक, ठीक है, उदयपुर में किया गया था। चलिए देख लेते हैं, उदयपुर में आयोजित की गई थी ये शेरपाओं की बैठक, ठीक है। और यहाँ पर भारत के G20 शेरपा कौन है, अमिताभ कांत है, ठीक है। और बाकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और डिटेल दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, किस देश ने 1 जनवरी 2023 को बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण तंत्र वस्तेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता संभाली? व्हिच कंट्री टूक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ मल्टी लैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म वस्तेनार अरेंजमेंट ऑन 1 जनवरी 2023? रशिया, जापान, इटली, इंडिया और इटली। तो वस्तेनार अरेंजमेंट का भी जो है आपको भारत में ही जिम्मेदारी संभाला है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। भारत ने वस्तेनार व्यवस्था की प्रेसिडेंसी 1 जनवरी 2023 को संभाली है, ठीक है। और इस व्यवस्था के माध्यम से इसके 42 सदस्य देश हथियारों के हस्तांतरण पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इट्स 42 मेंबर्स स्टेट्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन आर्म ट्रांसफर थ्रू द वस्तेनार अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसके कितने सदस्य देश है, 42 सदस्य देश है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज गोइंग टू चेयर इट, पहली बार भारत इसका अध्यक्ष बना है, ठीक है। और
भारत जो है वसेना अरेंजमेंट में 7 दिसंबर 2017 को 42वें सदस्य यानी कि अंतिम सदस्य के रूप में चुना गया था, ठीक है, जुड़ा था इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये भी पूछा जा सकता है वसेना अरेंजमेंट जो है वो किससे संबंधित है, तो हथियारों के स्थानांतरण पर सूचना के आदान प्रदान से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2022 के 18वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया, युद्धाभ्यास 2020 जो कि युद्धाभ्यास इसका नाम है, एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है, और 2022 में इसका आयोजन किया गया, और ये संस्करण कौन सा है, एडिशन कौन सा है, तो 18वां एडिशन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र, युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख लेते हैं इसका आयोजन जो है कहां किया गया, उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है, उत्तराखंड में युद्धाभ्यास 22 का आयोजन किया गया, भारत अमेरिका के बीच में ये किया जाता है। पिछले संस्करण का आयोजन जो है अमेरिका में किया गया था, अलास्का में ज्वाइंट बेस एलमेंड्राफ रिचर्डसन में किया गया था, ठीक है, और इस अभ्यास में अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड के जवान और भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया, Where was the 38th National Science Congress 2023 organized? Bangalore, Jaipur, Ahmedabad या फिर लखनऊ? तो लखनऊ में तो किया नहीं गया, ये जो है आपका कहां आयोजित किया गया, अहमदाबाद में किया गया, ठीक है, ये जो है कहां किया गया आयोजन, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित किया गया, 30वां था ये याद रखिएगा, 30th एडिशन था। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन इसका आयोजन किए कर रहे हैं और इसमें जो है कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है, ये सब थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है, कहाँ किया गया ये पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा, बाकी नहीं पूछा जाएगा। चलिए, किस भारतीय फिल्म के नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था ये न्यूज, KGF, RRR, सुरराय पटरू और पोनियन सेल्वम, चारों जो है साउथ का मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी है चारों, ठीक है, और इसमें RRR का ये गीत है, ठीक है, नाटू नाटू किसका गीत है, RRR का गीत है, जिसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिएगा ये जो राजा मौली है वो इसके SS राजा मौली इसके निर्देशक है, संगीत निर्देशक म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, MM किरावनी है, और गायक कौन कौन है, काला भैरवा और राहुल सिपली गुंज है, ठीक है, और फिल्म में कौन कौन थे एक्टर ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे पहले संगीतकार AR रहमान को 2009 में दिया गया था स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, और वो पहले भारतीय थे जिनको की गोल्डन ग्लोब दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, संविधान पार्क कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर बिहार, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, जयपुर विधान मंडल में किया गया है, ठीक है, जयपुर के सॉरी विधानमंडल नहीं राजभवन में, ठीक है, जहां पर राज्यपाल रहते हैं उनको राजभवन कहा जाता है, तो जयपुर के राजभवन में ये किया गया संविधान उद्यान, फिर मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट, इन सब का उद्घाटन किया गया, और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1000 मेगावाट की एक बीकानेर सौर परियोजना की भी आधारशिला यहाँ पर रखी गई है, और संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए हैं, तो 105 अमेंडमेंट अभी तक किए जा चुके हैं संविधान में, ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपको, जरूरी है याद रखिएगा, और 103वां जो किया गया वो किसके लिए किया गया कमेंट में लिखिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। 103वां अमेंडमेंट किसके लिए किया गया, कौन सा विषय के लिए किया गया, विश्व में तार के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां स्थापित किया गया, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम बीन एस्टैब्लिश्ड, इंडिया, चाइना, ईरान या इजिप्ट, कहां किया गया है, केरल में किया गया, तो केरल कहां है, भारत में है, आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, ठीक है, केरल में यह किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, और भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावण कोर की कहानियां इसमें शामिल है, ठीक है, और एक युद्ध हुआ था कोलाचेल का युद्ध हुआ था जहां पर त्रावण कोर के राजा अनिजान तिरुनल मार्तंड वर्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, ठीक है। संग्रहालय जो है वो 300 साल पुरानी इमारत में
बिठाया गया है, मतलब स्थापित किया गया है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी 2022 को कहां आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया 9 जनवरी 2023 को, यही पूछा जा रहा है। जबलपुर, इंदौर, जयपुर या फिर पणजी? आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ठीक है, आयोजन किया गया। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 17वां था, ये भी याद रखिएगा। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे, ठीक है। एक डाक स्मारक टिकट जिसका नाम है सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए, यह भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आजादी के अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसका विषय था, इस प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था, ठीक है। और ये आपको बता ही चुका हूं मैं, 9 जनवरी को ये आपके महात्मा गांधी जो है वो लौट करके आए थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन वन राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया? साइक्लोन वन, ठीक है, और ये पहला युद्धाभ्यास है, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेनमार्क, इजराइल, जॉर्डन या फिर इजिप्ट? मतलब ये जो है आपका मिस्र के साथ आयोजित किया गया पहला अभ्यास साइक्लोन वन, इसका नाम है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच साइक्लोन वन जो है वो 14 जनवरी 2023 को शुरुआत किया गया था, इसका राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखिएगा, भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के जैसलमेर में, और ये पहला संयुक्त अभ्यास है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है, और 14 दिन का अभ्यास है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान के द्वारा विकसित भारत निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जैसे आपका एंड्रॉइड है, जैसे आईओएस है एप्पल का, उसी तरीके से भारत का पहला एंड्रॉइड मोबाइल ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में बनाया गया है, वो किसने बनाया है वही पूछा जा रहा है। नाम क्या है उसका? भारोस नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? BHAROS, ठीक है, भार OS इसका नाम है। हिंदी में ये PID से लिया हुआ है, तो वहां पर भरोस लिखा हुआ था, इसलिए मैंने भी भरोस लिखा है, ठीक है। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT पटना या फिर IIT मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पर IIT मद्रास ने एक स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया था, और उसी ने इसको डिजाइन किया, बनाया, और फिर इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। और ये आ जाएगा तो फिर एंड्रॉइड की जरूरत भारत में नहीं रह जाएगी, ठीक है। एंड्रॉइड किसका है? गूगल का है। चलिए देख लेते हैं, जे एंड के ऑपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो एक स्टार्टअप है, जिसको इनक्यूबेट किया गया था IIT मद्रास के द्वारा, उसी ने यह किया है, ठीक है। और एंड्रॉइड और iOS की तरह एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा, इसलिए आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा, आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगा, इसमें जो एप्लीकेशन होंगे वो ज्यादा सुरक्षित होंगे, तो ऑनलाइन सुरक्षा जो है वो हमारी बढ़ जाएगी हम भारतीयों की, ठीक है। और हमको विदेशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो भारतीय जितने भी एप्स होंगे, डेवलप होंगे, वो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और भारत आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यह जो है अभी टाइम है, हालांकि इसके बारे में और देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नाम याद रखिएगा, भारोस इसका नाम है, और IIT मद्रास ने इनक्यूबेट किया था, यानी कि एक तरह से IIT मद्रास ने ही विकसित किया है इसको, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है? MV क्या नाम है? गंगा विलास, कोलकाता, हल्दिया, हरिद्वार या फिर वाराणसी? आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। अपने संसदीय क्षेत्र में गंगा विलास क्रूज जो है वो सबसे बड़ा नदी क्रूज है ये, ठीक है, और उसका इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया है, ठीक है। और ये जो है आपका वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते होकर के और असम के डिब्रूगढ़ तक ये जाएगी, ठीक है, और 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी गंगा विलास। और ये सारे जो जगह है उसमें बिहार में पटना भी शामिल है, जहां से होकर के ये आपका गंगा विलास गुजरेगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, और ये असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोमनिया पहल किससे संबंधित है? वोमनिया पहल किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वोमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग से। देखिए ये जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से संबंधित है, GEM से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यह जो है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और SHGs के लिए है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों से संबंधित है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अभी जब डिटेल बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। यहां पर देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल जो है उस पर महिला उद्यमियों की सफलता के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, ठीक है, और 2019 में आरंभ किया गया था ये वोमनिया पहल, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर अनौपचारिक क्षेत्र से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना और बिचौलियों को हटाते हुए विभिन्न सार्वजनिक खरीदारों को सीधे इनके उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ। लॉन्च्ड इन 2019, सबसे ज्यादा याद रखिएगा, वोमनिया इनिशिएटिव एम्स टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सेक्टर ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल एंड फैसिलिटेट डायरेक्ट सेलिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टू वेरियस पब्लिक बायर्स बाय कटिंग आउट मिडिलमैन, ठीक है। तो इसमें जो क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर क्या होता है, जितने भी सरकारी संस्थान है या फिर सरकारी मंत्रालय वगैरह है, वो जितना भी सामान खरीदते हैं वो अधिकतर कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही खरीदे, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एक तरह का दिया गया है महिला उद्यमियों के लिए, और बाकी जितने भी उद्यमी हैं उस पर जाकर के अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, जैसे आपका अमेजॉन है, उसी तरह से ये भी एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो यही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ कौन है, एस राधा चौहान है, और एस्टैब्लिश कब किया गया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को, 2016 में, ठीक है। और ये ओमनिया पोर्टल ओमनिया पहल कब शुरुआत किया गया था, या 2019 में, दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बस तीन क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। किस राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट, कौन है, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु में, कहां पर है ये जो है आपका, केरल में है, कौन सा जिला है, नाम है कोल्लम जिला, और कहां पर स्थित है, केरला में स्थित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, संविधान साक्षर जिला बन गया है और इसके लिए क्या क्या किया गया वो यहाँ पर दिया हुआ है। 7 महीने का संविधान साक्षरता अभियान जो है इसके लिए चलाया गया था, देश के कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के बारे में शिक्षा इसके माध्यम से दी जा रही है। कोल्लम या फिर इसी को क्विलोन भी कहा जाता है, ठीक है, क्विलोन भी कहा जाता है, जहां पर पुर्तगाली आए थे, ठीक है, कनानून और क्विलोन, ठीक है, यहां पर आए थे पुर्तगाली, ठीक है। और ये जो है अष्टमुडी झील के तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह शहर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे, 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर संपन्न हुआ था, तो 20वां, 21वां, 22वां या फिर 23वां, ये थोड़ा सा टफ है, याद रखना। देख लेते हैं कौन सा संस्करण था, ये था आपका 21वां संस्करण, 21st एडिशन था, ठीक है। 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2001 में वरुण नाम इसको दिया गया था, ठीक है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्देशित मिसाइल ये INS चेन्नई और फिर आपका INS 23 समुद्री गश्ती विमान P-81 और डोर्नियर हेलीकॉप्टर और MiG-29 के लड़ाकू विमान जो है इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये लास्ट ही क्वेश्चन है, किस वर्ष तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की उत्पादक क्षमता हासिल करना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है, राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। कल अगर आपने बजट भी सुना होगा तो उसमें भी इसकी चर्चा की गई थी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, ठीक है, 2025, 2028, 2030 या फिर 2047, कब तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता हासिल करना जो है आपका लक्ष्य है, 2025 तक, 2028 तक, 2030 तक या 2047 तक, आंसर क्या हो जाएगा, 2030 तक, ठीक है, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है इस मिशन के माध्यम से, ठीक है। देख लीजिए मिशन का लक्ष्य क्या है, 2030 तक लगभग 125 GW मतलब गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन क्षमता स्थापित करना है, ठीक है। और ये जो है 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए के व्यय के साथ जो है मतलब इसको मंजूरी दी है
केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, और अब जो है हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, 200 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं। एक वीडियो और इसके बाद आपका आएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा सीरीज, टोटल 250 क्वेश्चन होंगे। और आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन और भी तैयार हो रहा है, तो टोटल मिलाकर के आपका 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर्स की, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं हमारे चैनल पर, जाकर के देखिए। और फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं। और फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।